राष्ट्र गौरव, भारत की अस्मिता के प्रतीक, देशभक्त महाराणा प्रताप की जयंती प्रतिवर्ष 9 मई को धूमधाम से मनाई जाती है। महाराणा प्रताप आपको मालूम है, बहुत बड़े देशभक्त थे जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को स्वीकार न करके अपना बलिदान करना स्वीकार किया था। भारत की धन्य भूमि पर ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने अपने बल और पराक्रम से समय समय पर देशभक्ति के अद्वितीय उदाहरण पेश किए हैं। भारत के वीरों के बारे में कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। कुछ सूरवीर इतिहास के गर्त में ही गुम रहते हैं, लेकिन जिन पराक्रमी साहसी वीरों की कहानी हम जानते हैं, उनमें से एक सूरवीर महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है, यानी 9 मई को उनकी जयंती मनाई जाती है। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दी थी। मेवाड़ के राजा उदय सिंह के घर जन्मे उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप को बचपन से ही उच्च कोटि के संस्कार प्रदान थे। वीरता उनके लहू में थी। बालक प्रताप जितने वीर थे उतने ही पितृभक्त भी थे। पिता राणा उदय सिंह के कनिष्ठ पुत्र जगमल को बहुत प्यार करते थे, इस कारण वे उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे। महाराणा प्रताप ने पिता के इस निर्णय का तनिक भी विरोध नहीं किया। महाराणा चित्तौड़ छोड़कर वनवास चले गए। जंगल में घूमते घूमते महाराणा प्रताप ने काफ़ी दुख झेले, लेकिन पितृभक्त की चाह में उन्होंने उफ तक नहीं किया। पैसे के अभाव में सेना के टूटते हुए मनोबल को पुनर्जीवित करने के लिए दानवीर भामाशाह ने अपना पूरा खजाना समर्पित कर दिया, तो भी महाराणा प्रताप ने कहा कि सैन्य आवश्यकताओं के अलावा मुझे आपके खजाने की एक भी पाई नहीं चाहिए। उन दिनों दिल्ली के सम्राट अकबर का राज था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य का ध्वज फहराना चाहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की बात न मानते हुए खुद को राजसी वैभव से दूर रखा और अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए निरंतर लड़ाई लड़ते रहे। 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ऐसा युद्ध हुआ जो पूरे विश्व के लिए आज भी एक मिसाल है। अभूतपूर्व वीरता और मेवाड़ी साहस के चलते मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और सैकड़ों अकबर के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में बिना किसी सहायक के प्रताप अपने पराक्रमी चेतक पर सवार हो पहाड़ की ओर चल पड़े। उसके पीछे दो मुगल सैनिक लगे हुए थे, परंतु चेतक ने प्रताप को बचा लिया। रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। घायल चेतक फुर्ती से उसे लांग गया, परंतु मुगल उसे पार न कर पाए। संपूर्ण जीवन युद्ध करके और भयानक कठिनाइयों का सामना करके भी महाराणा प्रताप ने मेवाड़ राज्य के स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। यही कारण है कि आज भी सदियों बाद उन्हें याद किया जाता है और उनकी कहानियाँ बच्चों की किताबों में शान बनी हुई हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप बहुत बड़े योद्धा थे। मुगलों की विशाल सेना के आगे टिक पाना ये सिर्फ महाराणा प्रताप के स्वाभिमान की ही बात थी। अकबर के कहने के बावजूद उन्होंने अपने राज्य का समर्पण नहीं किया, बल्कि वीरों की तरह लड़ा। तो महाराणा प्रताप की तरह स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट हम सभी के दिल में होना चाहिए। इस महाराणा प्रताप जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रताप की तरह प्रतापी बने और महाराणा प्रताप की तरह स्वाभिमानी बने। जय हिंद।